हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ, जो लास्ट वीडियो है आइडेंटिटीज की, एक्सरसाइज 2.5। बचे हुए क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड है? हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c, फिर इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, ए को बी से ए बी, फिर माइनस लगा के बी को सी से माइनस बी इंटू सी, फिर सी को ए से माइनस ए सी, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आइडेंटिटी के बेस पर ये क्वेश्चन हमारा फैक्टर हो जाएगा, लेकिन हमें उससे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ए बी सी की वैल्यू पता लगी तो इजीली फैक्टर बन जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इस क्वेश्चन को हमने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc में। तो यहां पर 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो यह आ जाएगा 3x, 27 3 का क्यूब, और x का क्यूब पहले से है तो इसका होल क्यूब। तो ये मेरा ए हो जाएगा, प्लस y³, y मेरा बी हो जाएगा, प्लस z³, z मेरा सी हो जाएगा, माइनस 3, फॉर्मूले वाला 3। ए ए क्या मेरे पास? 3x, 3x, और बी क्या मेरे पास? y, और सी क्या मेरे पास? z इज इक्वल टू। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो हम सीधी आइडेंटिटी लगा देंगे इसके आगे। तो क्या आइडेंटिटी है? ए प्लस बी प्लस सी, जबकि ए मेरे पास क्या है? 3x, बी क्या है? वाई, सी क्या है? जेड। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए मीन्स 3x, बी मीन्स वाई, सी मीन्स जेड, ब्रैकेट क्लोज। फिर ए का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस बी, फिर वाई का स्क्वायर प्लस सी, जेड का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला ए को बी से मल्टीप्लाई, ए को बी से, 3x को वाई से, 3x को वाई से, फिर वाई को जेड से, वाई को जेड से माइनस, वाई को जेड से माइनस, जेड को किससे? 3x से, माइनस 3xz, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर x का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये हमारे फैक्टर बन गए किसके? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसमें कौन सी नई साइड लेंगे? आरएचएस। इसके दो तरीके हैं, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे। आरएचएस क्या हमारे पास? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। ये हाफ सेम, क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, दोनों को मल्टीप्लाई 2xy। इसमें y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस टू वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस इसमें आएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हाफ का हाफ बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में प्लस कर देंगे तो टू वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर में प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टू जेड स्क्वायर, बचा क्या माइनस टू एक्स वाई, फिर बचा क्या माइनस टू वाई जेड, फिर बचा क्या माइनस टू एक्स जेड, ये बच गया। अगर इसमें देखेंगे टू 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 और टू, टू तीनों सब में कॉमन आ गया, तो वन बाई टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू कॉमन आ गया, बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टू से ये टू कट, तो बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ गया। और ये हमारे को किसके बराबर होता है, हमें फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके होते हैं, इसके होते हैं, और ये किसके बराबर है हमारे पास, आरएचएस के बराबर, ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर है, तो ये आरएचएस आ गया जो हमने इससे पहले वाले फॉर्मूले में किया था, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए यहाँ फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स वाई को फिर वाई जेड को माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, माइनस ट्वेल्व की पावर थ्री, सेवन की पावर थ्री, फाइव की पावर थ्री, तो माइनस ट्वेल्व की पावर थ्री प्लस में सेवन की पावर थ्री प्लस में फाइव की पावर थ्री, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, लेट एक्स या ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, बी इज इक्वल टू सेवन, सी इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, बी इज इक्वल टू सेवन, सी इज इक्वल टू फाइव, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव, तो ये माइनस बारह, और तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस बारह प्लस बारह इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी के बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, जीरो होगा, और इसमें ए की वैल्यू क्या है, माइनस बारह, तो माइनस बारह की पावर तीन प्लस बी की क्या है, सेवन की पावर थ्री, और सी क्या है, पांच की पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री ए, ए कितना है माइनस बारह, बी कितना है सात, सी कितना है पांच, मल्टीप्लाई कर देंगे बारह को तीन से 36 और सेवन को फाइव से 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 35, ट्वेल्व, 1260, 1260, 1260, 1260 आ गया माइनस का, किसकी वैल्यू, माइनस ट्वेल्व विदाउट क्यूबिंग, बिना इसको कैलकुलेट किए गए हमने आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकाल दी, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट क्या कर रहा है, 28 की पावर 3 माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3। तो इसमें मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू माइनस 15 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 13। तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है 28 प्लस बी, बी कितना है माइनस 15 और सी कितना है माइनस 13। तो ए 28 माइनस 15 माइनस 13 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस और साइन किसका, माइनस का। तो 15 और 13 28, 28 में से 28 गया 0। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो टी एच एन देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ABC के बराबर होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। अब इसमें ए क्या है 28 का क्यूब प्लस में बी कितना है माइनस 15 का क्यूब, सी कितना है माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 3। 3A कितना है मेरे पास 28, ये A है, ये B और ये C, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। तो 3A, A 28, B माइनस 15, C माइनस 13। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 इंटू में माइनस माइनस प्लस 15 को 13 से मल्टीप्लाई, 195 और 195 को किससे मल्टीप्लाई, 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0836 और ये 1 5 4 22, 9 4 36, 38, 7 8 5 40, 8 5 40, 0 4 8 72, 76, 7 8 15, 0 8 3 6, 16380। ये क्या है, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, बिना क्यूब निकाले इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या यूज करके, बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया, ये हमें क्या रखा है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 25A² माइनस 35A प्लस में 12। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो इसके हम क्या बनाएंगे फैक्टर, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 300। देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई 300, मल्टीप्लाई करने पर 300 और ये क्या का साइन है प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 35, प्लस करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू 35 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और प्लस करने पर क्या है 35। तो हमारे पास कौन से दो नंबर होंगे, देखिए 300 के फैक्टर बनाएंगे पहले क्या 2 की टेबल में 150। अगर हम एक 2 लेते हैं और एक 50 लेते हैं, 150 इंटू में 2 300 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन प्लस करने पर 152 आ रहा है। तो ये तो फैक्टर बनेंगे नहीं, फिर किसकी टेबल में 3 3 5 50। तो अगर मैं 3 2 6 ले लूं और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं 50 से, 50 × 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ रहा है और हमें चाहिए क्या 35। फिर 2 की टेबल में तो 25, तो 2 3 6 6 2 12
सिक्स टू जा ट्वेल्व, अगर मैंने 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो 300 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर 37 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। हमें क्या चाहिए 35। अब किसकी टेबल में, 5 की टेबल में, अब किसकी टेबल में 5, 5 5 जा 25, तो 12 को मल्टीप्लाई किया किससे 25 से, तो 37 आ गया। अब 12 के बाद क्या नंबर लें, 13 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, 14 देखिए, तो हमने क्या ले लिया, एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, 3 5 जा 15, तो एक नंबर ले लिया हमने 15 ले लिया, क्या ले लिया 15, और बाकी क्या बचा मेरे पास 2 2 और ये 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 into 15, तो दो नंबर क्या हो गए, एक 20 हो गया और एक 15 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और प्लस करेंगे तो 35, तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक 20 और एक 15, ये क्या है माइनस है, तो दोनों किसके होंगे माइनस के, दोनों किसके होंगे माइनस के, तो एरिया इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 20 12। हमारे पास एक दो तीन चार टर्म बन गई, तो इनमें पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया, एरिया इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन 25 और 20 दोनों में कॉमन 5, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, और इसमें ए की पावर 2 है और इसमें ए है, तो इस दोनों में ए भी कॉमन है, तो 5 ए कॉमन आ गया, 5 की टेबल 25 में 5 टाइम, इसमें ए कितने 2 है, एक ए बाहर आ गया, एक ए बच गया, माइनस 5 की टेबल 20 में, 5 की टेबल 20 में 4 टाइम और ए कॉमन आ गया, तो ये बच गया 5 ए माइनस 4। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगले में देखेंगे, अगले में माइनस है, पहले पहले जो माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ये देखो ये माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, 15 और 12 दोनों किसकी टेबल में, 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 लिख दिया और a इसमें है, इसमें a नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज, तो ये माइनस का है ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, 3 की टेबल 15 में 5 और a का a, ये किसका हो जाएगा प्लस है तो साइन चेंज, किसका हो जाएगा माइनस का, 3 की टेबल 12 में 4 टाइम, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या बचा, जो कॉमन है उसको छोड़ के क्या बचा 5 a माइनस 3, एक तो ये बचा और दूसरा क्या बचा 5 a माइनस 4, दो हमारे फैक्टर बन गए, लेकिन एरिया क्या होता है l इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का किसका l इंटू बी, तो इसका मतलब एक लेंथ हो सकता है एक ब्रेथ हो सकता है, तो पॉसिबल पॉसिबल डायमेंशन, डायमेंशन मीन लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर क्या होंगी, एक हो जाएगा 5a माइनस 3 और एक क्या हो जाएगा 5a माइनस 4, ये हमारी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट कैसे करेंगे हम, सेम अगला क्वेश्चन 35, इसके भी क्या बनाएंगे फैक्टर, 35 को किससे मल्टीप्लाई 12 से, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को किससे मल्टीप्लाई 12 से, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये आएगा मेरे पास 420, ओ 420, 420 मल्टीप्लाई करने पर 420, ये क्या कह रहा है माइनस करने पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए बी, तो माइनस करने पर 13, तो हमें दो वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 420 और माइनस करने पर 13, तो पहले क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले 420 किसकी टेबल में, 2 की टेबल में देखते हैं 2, तो 210, तो एक वैल्यू ले लेंगे 210, ट्राई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, एक 210 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, लेकिन 210 में से 2 माइनस करेंगे तो 208 आएगा और हमें क्या चाहिए 13, तो ये नहीं आ रहा है, फिर किसकी टेबल में 3 की टेबल में, 3 7 जा 20 0 70 आ गया,
चलिए फिर करते हैं, टू के बाद थ्री टू जा सिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स आ गया, और ये क्या है सेवेंटी। एक मैंने ले लिया सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, और एक ले लिया सेवेंटी। सेवेंटी को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, लेकिन 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76 आएगा, और हमें ओनली माइनस करना, सॉरी 70 में 6 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, और हमें चाहिए 13, तो ये रॉन्ग है, 6 नहीं आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, अब किसकी टेबल में करेंगे, 5 की टेबल में, तो क्या आएगा ये 14। तो देखते हैं, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, एक आ गया 30 और दूसरा 14, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया, लेकिन 30 में से 40 माइनस करेंगे, 30 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और हमें चाहिए क्या 13, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी नहीं आ रहा। तो अब 14 से अब एक एक करके ले वैल्यू लेंगे, 14 के बाद क्या लेंगे 15 लेंगे, क्या लेंगे 15। अब देखो इसमें 15 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, बचा क्या 2, और क्या बचा 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28, 28 एंड 15 दो बन गए, अगर 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। सबसे ऐसे स्टेप से हम फैक्टर बना लेंगे आराम से, तो 28 में से 15 गए 13 आ गया, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक 28 और एक 15, लेकिन वो कह रहा है कि माइनस करने पर, तो इसका मतलब 13 प्लस का आना चाहिए, तो इसका मतलब 18, 28 प्लस का और 15 माइनस का, 28 में से 12 जाएंगे 15 जाएंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13, तो इसके फैक्टर बना देंगे, एरिया इज इक्वल टू 35 वाई स्क्वायर प्लस में 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब कितनी टर्म बन गई इसमें, चार बन गई, तो चार के पेयर बना देंगे, ये दोनों और ये दोनों, तो एरिया इज इक्वल टू ये 35 है और ये कितना है 28, 35 और 28 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 7 की टेबल में, 7 ले लिया कॉमन, इसमें वाई कितने हैं 2 और इसमें वाई कितना है 1, तो कॉमन क्या आ जाएगा जो सबसे कम है, कौन वाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट 7 की टेबल में 35 कितने बारी, 7 की टेबल 35 में 5 टाइम, इसमें वाई कितने हैं 2, एक वाई कहाँ गया बाहर, तो कितने वाई बचा 1 प्लस 7 की टेबल 28 में कितने टाइम 4 टाइम, वाई यहाँ भी वाई 1 है यहाँ भी वाई कॉमन ले लिया तो वाई बाहर आ गया तो वाई नहीं बचेगा, ये क्या आएगा साइन माइनस का, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का प्लस का, कब ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहां पर क्या है 15 और यहां पर क्या है 12, 15 और 12 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, और y इसमें है और इसमें y नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, बाहर माइनस तो ये साइन किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे जब, 3 की टेबल 15 में 5 और y का y क्योंकि y कॉमन नहीं है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, 3 की टेबल 4 12 में 4 टाइम, ये दोनों सेम है, तो एरिया इज इक्वल टू मेरे पास जो दोनों सेम है 5 5 प्लस 4 बचा क्या 7y माइनस 3 एक ये बचा और क्या बचा 5 5 प्लस 4 दो फैक्टर बन गए, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3 और 5 5 प्लस 4, तो इसका मतलब पॉसिबल पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होंगी मेरे पास आर, एक तो 7y माइनस 3 हो जाएगा और एक क्या बचेगा 5y प्लस 4 बचेगा, ये मेरे पास पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इफ द वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम दे रखा है तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पॉसिबल डायमेंशन निकालने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका मतलब हमें ये जो वॉल्यूम दे रखा है इसके हमें तीन फैक्टर बनाने, और वो तीन फैक्टर में से कोई लेंथ होगा कोई ब्रेथ होगी और कोई हाइट होगी, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है फर्स्ट पार्ट वी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 12x,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, तो v इज इक्वल टू इसमें 3 और इसमें 12, 3 कॉमन आ गया, इसमें x की पावर 2 है और इसमें x है, तो कॉमन क्या आ गया, x आ गया, तो 3 की टेबल 3 में 1, x इसमें 2 है, एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, माइनस 3 की टेबल 12 में, 3 की टेबल 12 में कितनी बारी, 4, ये x बाहर आ गया, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया, 3 into x माइनस 4 आ गया, और जबकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 3x एंड x माइनस 4, यही बचेगा, एक लेंथ एक ब्रेथ और एक हाइट, दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड। ऐसी हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम दे रखा है हमारे को, वॉल्यूम क्या होता है, L into B into H, और वॉल्यूम हमें दे रखा है V is equal to 12 के y square प्लस में 8 के y माइनस में 20 के, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 के 8 के 20 के कॉमन तीनों में, और ये 12 है, ये 8 है और ये 20 है, 12, 8 और 20 तीनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, के इसमें भी है, के इसमें भी है और के इसमें भी है, के भी कॉमन आ गया, बचा क्या, 4 की टेबल 12 में 3, के बाहर आ गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस में 4 की टेबल 8 में 2, के बाहर आ गया, क्या बचा, वाई माइनस 4 की टेबल 20 में 5, और k कॉमन ले लिया तो 5 बचा, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया 4k। अब इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर किसके, 3y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 5, इसके फैक्टर बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 5 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 5 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करने पर 15, ये कहेगा साइन, माइनस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, और माइनस करने पर 2, माइनस करने पर 2, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 15, तो 15 के फैक्टर बनाते हैं, 15 किसकी टेबल में, 3 की टेबल में, 3 5 जा 15, एक 3 और एक 5, तो मैंने अगर एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन माइनस करने पर क्या रहा है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2, तो 3 में से सॉरी 5 में से 2 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, 3, और एक फैक्टर क्या हो गया, 2 5, तो दो फैक्टर बन गए, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा आगे, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, एक आ गया 5 और एक आ गया 3, जिसमें एक 5 और एक 3, 5 प्लस का और 3 माइनस का, तो इसके फैक्टर बना लेंगे, 3y स्क्वायर प्लस में एक कौन सा है हमारे पास, 5, 5y, एक कौन सा है हमारे पास, माइनस 3y माइनस 5, 1 2 3 और ये 4, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 और 5 दोनों किसी की टेबल में नहीं आते, दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, और 1 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है, तो y कॉमन आ गया, ब्रैकेट 3y स्क्वायर में y कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, 3 और क्या बचा, y प्लस 5y, 5y में से y बाहर आ गया तो बचा क्या, 5 प्लस 5 माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, यहाँ पर भाई क्या बचा, 3, यहाँ क्या बचा, 5, 3 और 5 किसकी टेबल में, 1 की टेबल में, कॉमन फैक्टर इज 1, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन फैक्टर है, तो 1 ले लिया, जब बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के साइन चेंज, ये किसका आ जाएगा, प्लस का, ये किसका आ जाएगा, प्लस का, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन क्या है, 1, जब भी 1 कॉमन होगा तो सेम वैल्यू लिख देनी है, तो सेम वैल्यू मीन्स 3y और प्लस 5, ये प्लस का 5 क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ये दोनों मेरे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो सेम है उसको हटा के बचा क्या, एक वाई माइनस 1 बच गया और क्या बचा, 3y प्लस 5 बच गया, तो ये मेरे फैक्टर बन गए इसके, तो इसके फैक्टर मीन्स 3y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस 5 के फैक्टर ये बन गए,
तो इनको लिख देंगे यहां y माइनस वन और 3y प्लस 5, और जबकि वॉल्यूम क्या होता है l इंटू बी इंटू एच, तो इसका मतलब l इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, एक मेरा क्या हो गया 4k मल्टीप्लाई, एक क्या हो गया y माइनस वन और दूसरा क्या तीसरा क्या हो गया 3y प्लस 5, तो इसका मतलब एक मेरे पास लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ और एक हाइट, तो क्या लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन, जो पॉसिबल डायमेंशन है वो कौन सी हो जाएंगे मेरे पास 4k और y माइनस वन और 3y प्लस 5, दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड, 4k y माइनस वन एंड 3k 3y प्लस 5। ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.5 का है, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो प्लीज लाइक शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स, एंड थैंक्स अगेन थैंक्स, वार्म थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की सॉल्व करेंगे। थैंक यू।